पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चार्ट है वैल्यू चार्ट वो लर्न होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन ये आज एन आपने फॉर्मूले भी ध्यान में रखने हैं, फिर उसके बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स जो है ये किसके बराबर होता है, दिस इज योर कोसेकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, कंडीशन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो और x is less than equals to minus 1। Second इसके अंदर आपके पास आता है cos inverse 1 upon x कितना होता है, तो cos inverse 1 upon x कितना हो जाएगा secant inverse x के इक्वल होता है। अगेन द सेम कंडीशन इज यूज्ड, ये सेम चीज चलेगी। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आता है आपके पास tan inverse वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है क्या, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब जो सेकेंड है उसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। ठीक है, दूसरा है आपके पास टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड थर्ड वन इज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस बाहर आ जाएगा और कोसेकेंट में भी आपके पास माइनस का जो साइन है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखना एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस वन टू वन, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड इसमें आपका जो एक्स है मोड एक्स इज ग्रेटर देन वन है। ठीक है, अब ये साइन हो गया, टैन हो गया, कोस हो गया, बचा क्या आपके पास, सॉरी कोस कोट एंड सेकेंट। ठीक है, तो उनको जब आप माइंड मतलब ऐसे करके लेते हो कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, दिस इज सिंपली पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, एंड इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने में भी यूज कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोस इनवर्स और नेगेटिव वैल्यू देके रखी है, ठीक है, तो आप उस वैल्यू को किससे माइनस कर देते हो, पाई से माइनस कर देते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये भी पाई माइनस और ये भी पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस सेम थिंग सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स एंड पाई माइनस ऑफ कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास फॉर्मूला की साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू पाई बाय टू। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन कॉमा वन। ठीक, सेकेंड है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सो दिस इज अगेन इज इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है,
x belongs to r. Third, cosecant inverse x प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है. सो दिस इज अगेन इक्वल टू पाई बाई टू बट योर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है. तो ये ध्यान में रखना है. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? आपको पाई बाई टू के बराबर. अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स है तो किसके बराबर होगा? पाई बाई टू के बराबर. कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू योर पाई बाय टू. ओके, नाउ टेन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है और मोस्ट कॉमन यूज प्रॉपर्टी, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई रिक्वर्स किसके बराबर होता है? वन, सॉरी, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. अगर प्लस होगा तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई. यही प्रॉपर्टी में अगर माइनस का साइन यूज करेंगे तो यहां हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस. ठीक है, जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा. अगर यहां पर मैं माइनस यूज कर रही हूं, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई. ठीक है, थर्ड वन आपके पास आता है फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का. तो टू टेन इनवर्स एक्स होता है टेंजेंट इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब टू टेन इनवर्स एक्स के आपके साइन की फॉर्म में भी फॉर्मूले हैं. तो टू टेन इनवर्स एक्स जो है That is based on your question कि उसमें आपके पास जो trigonometric function है वो किस type में देके रखा है. ये formula tangent inverse x is equal to sin की form में है. Sin inverse 2x upon 1 plus x square. 2 tan inverse x का ही आप formula है. Cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. And इसी का same formula है tangent inverse x का ही. तो ये आता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की. ये आपने ध्यान में रखना है. ठीक है, क्या है 2 tan इनवर्स x का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसी का कोस की फॉर्म में यूज होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड इसी का टेन की फॉर्म में यहां भी करवाया मैंने, ये होता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब ये थी प्रॉपर्टीज. इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है, फॉर्मूलाज को यूज करना है, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे.